तो दोस्त ये देख सकते हो, ये मेरा टिकट है और ये हुआ था अकबर ट्रैवल से, और ये टिकट है। ये उसमें वजन भी देखिए कितना लिखा हुआ, 40 किलो लगेज है, उस 40 किलो के बाद उसके बाद प्लस 7 किलो हैंड बैग देख सकते हो आप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आ चुका है फाइनली मेरा टिकट, और करते हैं सऊदी को टाटा बाय बाय, और दिखाता हूँ आपको मेरा टिकट आ गया। हालांकि पिछले इसके पहले वीडियो में आपको बताया था मेरा क्रूज लग गया था, पेपर भी आपको दिखाया था क्रूज का, और अभी आज ही मेरा टिकट आया, आज ही मैं वीडियो बनाया ही था। दरअसल आप लोग जब देख रहे होंगे तो शायद लेट हो, पर मेरा अब जिस दिन मैं वीडियो बनाया था इस चीज़ का शाम को ही मेरा टिकट भी आ गया था। और मेरा जो एग्जिट का पेपर है ओरिजिनल वाला, वो मेरा काफ़ी बोला था कि मैं सैलरी के साथ में ले लूँगा, जो फाइनल सैलरी मेरी बची हुई है वो सैलरी लाएगा तो साथ में उसका पेपर भी लाएगा। उसने टिकट भिजवा दिया, आपको दिखाता हूँ टिकट, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो दोस्त ये देख सकते हो, ये मेरा टिकट है और ये हुआ था अकबर ट्रैवल से। कैसे दिखाता हूँ, शायद आपको सही नहीं दिख रहा हूँ, मैं आपको इसका फोटो डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और ये टिकट है, ये है सलाम एयरलाइंस का, सलाम एयरलाइंस का टिकट है, इसका फोटो डाल दे रहा हूँ, आप लोग क्लियर देख लीजिएगा उसमें, और इसमें सब लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हो उसमें। और मेरा यहाँ से दम्माम से लखनऊ का टिकट है, और ये पहले दम्माम से मस्कत जाना है, क्योंकि मेरी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इसमें, दम्माम से मस्कत जाना है, मस्कत से फिर वापस लखनऊ का टिकट। और जो होता है यहाँ पे देखिए, उसमें वजन भी देखिए कितना लिखा हुआ, 40 किलो लगेज है, उस 40 किलो के बाद उसके बाद प्लस 7 किलो हैंड बैग देख सकते हो आप, 40 किलो है प्लस 7 किलो हैंड बैग, 47 किलो टोटल वजन है। और इसका अगर प्राइस जानोगे ना आप तो आपके होश उड़ जाएंगे, कितने का कि इतना सस्ता टिकट मिल गया यहाँ पे, जबकि लखनऊ का, अब लखनऊ मुंबई से लखनऊ की दूरी कुछ पड़ती है 1400 किलोमीटर के आसपास, 1200-1400। अब सोचिए कि यहाँ से मुंबई का टिकट जो होता है तो वो करीब करीब 450 का होता है, और ये मुझे 550 का पड़ा है, 550 रियाल। और ये 550 रियाल का मैंने ही खुद ही करवाया इसे, क्योंकि मेरा काफ़ी खुरुस लगा दिया, मेरी मर्जी है मैं जा रहा हूँ तो फिर वो टिकट नहीं देगा, जो मेरी मर्जी से जा रहा हूँ तो टिकट भी मुझे ही लेना पड़ेगा। अगर मेरा टाइम पूरा हो गया होता 2 साल या 2.5 साल, तो मेरा अगर टाइम पूरा हो गया तो मैं एग्जिट जाता फाइनल, तो फिर उसको टिकट देनी पड़ती। वैसा है कि मेरी मर्जी, मुझे अभी 1 साल हुआ है, 1 साल 1 महीना हुआ करीब, तो अभी मेरी मर्जी मुझे जाना पड़ रहा है, मेरा काफ़ी से झगड़ा हो गया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो तो वीडियो ऊपर देख लीजिए, जाके देख लीजिएगा, मेरा काफ़ी से झगड़ा हो गया तो मेरा फाइनल मेरा क्रूज लगाया था, क्रूज लगने के बाद अभी फाइनल लगी, अभी टिकट हुआ है, तो टिकट है दोस्त। और 550 रियाल का हुआ है, अगर 550 रियाल का इंडिया का कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 11,000 इस वक्त, अगर 21-22 करेंट चला मान लीजिए कोई 11,500, तो 11,500 का टिकट ये पड़ता है यहाँ से लखनऊ के लिए। और आप ये समझिए कि जब वहाँ से आदमी आता है तो बंदा 1 लाख रुपये अगर एजेंट ले रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा महंगा क्या होता है, टिकट होता है। अगर उसको पूछोगे भी तो यही बताएगा 20,000 का टिकट पड़ता है। इसमें 47 किलो लगेज है, समझिए 50 किलो पूरे, अगर चाहिए अराउंड रखेंगे 50 किलो, 40 किलो में यहाँ से लगेज लगा जा सकता हूँ, 7 किलो का प्लस हैंड बैग, तो आप ये समझिए पूरा इतना सिस्टम है इसमें। तो फिर ये सही है कि ये गलत है, आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोग का टिकट कितने रुपए का बता रहे हैं एजेंट। ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब जो टाइम के हिसाब से कभी कभी टिकट बढ़ता घटता भी रहता है, और ये मेरा आज से 15 दिन के बाद का है, अभी 15 दिन के बाद का टिकट मिला है 550 का। यही चीज़ मैं उससे पूछ रहा था कि मतलब अगर पहले कर लेंगे जैसे 8 दिन 10 दिन 1 हफ्ते के बाद लेंगे, तो अभी दरअसल रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में भी ईद का मसला चला ना, तो इसमें बहुत भीड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा टिकट की बुकिंग भी होती है, जाना आना बंदे बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ से, तो उसमें टिकट महंगा मिल रहा था। तो दरअसल अभी 15 दिन ज़्यादा लेट तो है नहीं, 15 दिन कोई खास नहीं होता, 15 दिन बाद का बुक करा तो वही 550 रियाल का मिला, उसके पहले मैंने पूछा था तो बोला था 790 रियाल का, 800 रियाल का, उसमें भी 47 किलो वजन लेता है, तो कहा 700 रियाल का, समझिए आप बहुत जल्दी मुझे चाहिए तो 790 रियाल का 800 रियाल का मिल जाएगा, 800 रियाल का कन्वर्ट करोगे तो 16,000 का होता है, 16,000 में आप ये समझिए इमरजेंसी मिल सकता है, बस ये 2 दिन के 3 दिन के बाद ईद है, ये ईद के बाद में टिकट मिल जाएगा। अगर आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ईद निकल चुकी हो, क्योंकि अभी इसको सब एडिटिंग करके फिर अपलोड करना है, तो फिर शायद निकल चुके हो, पर ये जब ईद के पहले लेंगे तो इतना महंगा पड़ेगा, फिर ईद के बाद लेंगे तो वही रेट आ जाता है, तो यही मसला था और कोई खास कुछ नहीं दोस्त। और खुरुच मेरा क्यों लगा था, अगर आप लोग नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा, आप ऊपर देख रहा होगा वीडियो, और बाकी सारे सिस्टम आपको सब कुछ बता दिया था उसमें। दरअसल मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ, काफ़ी झगड़ा होने के बाद फिर मैंने खुद बोल दिया उसे कि मेरा क्रूज लगा दूँ,
क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे अब तो मेरे हिसाब से काम करो, मैं जो बोलूँगा वो करोगे, अगर कोई गाड़ी वाड़ी में दिक्कत हुई या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सैलरी काट दूँगा, सब कुछ बताऊँ मैं उस वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हो। तो बस यही था मेरे दोस्त, टिकट आ गया, बस चलना और करना सऊदी को, टाटा बाय बाय, और फिर मिलेंगे इंडिया में, और इंडिया में जाने के बाद फिर वहाँ से आपको, वहाँ से भी आपके लिए कुछ जानकारी भरे वीडियो देता रहूँगा, वहाँ से भी कुछ आपको जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ से, जो मैंने फेस किया है पूरे एक साल में यहाँ से, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है यहाँ से सऊदी अरब से, सब कुछ आपको बताऊँगा वहाँ भी चल कि क्या होता है, कैसे यहाँ पे काम किया जाता है, कैसे बंदा आता है, कैसे रुकता है, कैसे आना चाहिए या कितनी सैलरी में आना चाहिए, कितना खर्चा यहाँ बैठता है, सब कुछ। हालांकि पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूँ आप लोग को, अगर आप लोग नहीं देखो तो पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, आप लोग सब जाके देख सकते हो। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि बहुत जानकारी भरी वीडियो देता हूँ। तो और मिलेंगे इंडिया में, और दिखाता हूँ दिखाऊँगा आपको, जिस दिन मेरा जाना होगा, एग्जिट होगा ऐसे चलेंगे, तो एयरपोर्ट भी आपको दिखाऊँगा, जा रहा हूँ चलूँगा मैं, और प्रॉब्लम वाली बात है देखेंगे तो प्रॉब्लम भी है, अगर भाई नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अपने ऊपर है, अच्छा भी है। चलो यहाँ से दूसरे काम में आएंगे, ऐसा थोड़ी खुरच लग गया तो फिर वापस नहीं आ सकते, खुरच लगने के बाद टाइम भी 60 दिन का है मेरे पास, अगर 60 दिन में चाहूँ तो कहीं भी काम कर सकता हूँ, कहीं भी जाओ कहीं भी काम करो, इससे कोई मतलब नहीं, 60 दिन के अंदर मुझे यहाँ से एग्जिट लेनी, और एग्जिट लेने के बाद फिर वापस जाओ, फिर वापस दूसरा वीज़ा लगा के फिर सऊदी आ सकते हो। अगर 60 दिन के बाद अगर वापस जाते हो आप, तो आपको फाइन भी पड़ जाएगी यहाँ से, और फाइन पड़ने के बाद फिर आप हो सकता है ब्लैकलिस्ट भी हो जाओ, वापस भी नहीं आ सकते। तो ये मसला है और कुछ नहीं दोस्त, खुरच यही होता है बस, और खुरच लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, जिसको जाना है आप अपने कफिल से बात करो, नहीं कफिल मान रहा है तो लेबर ऑफिस जिंदाबाद है, लेबर कोर्ट जिंदाबाद है, ठीक है, लेबर कोर्ट जाके आप सीधे करवा सकते हो, क्योंकि आपकी मर्जी नहीं, आपका मन नहीं काम करने का, जो आपको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, बस ये होता है। और ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा था, बस मुझे भी कुछ सिस्टम थे यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, हालांकि मैं आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, मैंने एक बनाया था, मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया था उसकी, मैं यहाँ पे कैसे आया था, कितनी मेरी सैलरी थी, किस काम में आया था, कौन सा काम मिला है, अभी जो गाड़ी ये वाली मैं चला रहा हूँ इस वक्त, मगर अब चला गा रहा हूँ, मेरा खुरच लग गया, वहाँ से मेरी कैंसिल है सब कुछ, अभी अभी मेरे कफिल को दे देना है सारा सिस्टम कैंसिल, बस वापस चलना है अभी यहाँ से। और मैं आपको बताया भी था कि मैं इसो भी आया था, तो मैं ड्राइवर में आया था, पर मुझे मैं अदर काम भी करता था इसके ड्राइविंग के साथ में, मेरे कफिल का काम दूसरा भी काम कर रहा था, मगर कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो यार लाख खाना बर्बाद करके आया हूँ, तो उससे अच्छा ही वापस जाने से अच्छा ही करते रहो, कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, जो सैलरी मेरी बोली गई थी बस उसे 100-200 रियाल कम मिल रही थी, ओवर टाइम तो कुछ मिल नहीं रही थी, मगर फिर भी ठीक ठाक लगा मुझे, मैं काम करते गया। अब बस ऐसा हुआ, एक साल पूरा बीत गया था, मगर अब कुछ काम में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा नहीं होना चाहिए था, जो बंदे को इतनी सारी प्रॉब्लम अगर वो फेस करनी पड़ जाए तो फिर काम करना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कफिल से मना कर दिया कि ठीक है मैं काम नहीं करूँगा भाई, ये सब इतनी मगजमारी है तो काम करना पसंद नहीं आ रहा, तो आपको जो आपको समझ में आ रहा है रखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है मत रखो, लगा तो खुरुच मैं इंडिया चले जाऊँगा, बोला ठीक है कोई बात नहीं तुम इंडिया चले जाओ, बोला हाँ चलेगा मुश्किल नहीं। बस यही हुआ था मेरे कफिल के साथ मेरे दोस्त, और कुछ नहीं, बस उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।